दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका हमारे इस कार्यक्रम समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और आज चर्चा करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पर, जो कि है राजनीति और ज्योतिष। तो कल्पेश जी, आखिर ज्योतिष और राजनीति में क्या संबंध है? मित्रों, आज ज्योतिष और राजनीति की हम बात करेंगे। सारे लोगों को ज़्यादा राजनीति में जाने की इच्छा रहती है, क्योंकि राजनीति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सारी आप कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हो। तो राजनीति के लिए बात करें तो कौन सा ग्रह बलवान होना चाहिए, किस प्रकार की कुंडली होनी चाहिए, ये देखेंगे आज हम। तो पहले आपको बता दूं कि जिस जातक की कुंडली के अंदर पहले तो बारवां स्थान जो है वो व्यय स्थान है, और चतुर्थ इसका जब बारहवें स्थान के संबंध होता है, यानी इंसान घर से ज़्यादा बाहर रहता है। दूसरे नंबर के अंदर देखा जाता है कि जिस कुंडली के अंदर राहु दसवें स्थान में स्थित हुआ है, राहु जब दसवें स्थान में बैठता है तो वो राजकारण में जाने की इच्छा करता है इंसान। इससे बेटर ज़्यादा बताऊंगा कि यदि इंसान के जीवन के अंदर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का भी बल और शनि का बल अच्छा होता है तो राजनीति में बहुत आगे जाता है। आपने देखा होगा कि बचपन से ही उस इंसान के कुंडली के अंदर यदि मंगल का बल होता है, सूर्य का बल होता है, तो इंसान अपनी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ के अंदर वो ज़्यादा राजनीति की ही बात करता है, और वहाँ भी कहीं भी वो खड़ा हो जाता है इलेक्शन के अंदर और वहाँ उत्तीर्ण भी होता है। तो इसके अंदर उसका मंगल बलवान होता है, जुस्सा पराक्रम बचपन से ही उसके अंदर आ जाते हैं। तो युवानी में यदि इंसान मंगल के अधीन आगे बढ़ जाता है तो वही इंसान आगे जाके बड़ा राजनीतिक बन सकता है। उसके लिए उसका मंगल, सूर्य, उसका मन यानी चंद्र, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा स्थान जिसको वाणी का स्थान बोलते हैं, बोलने का स्थान बोलते हैं, मुख का स्थान बोलते हैं, धन का स्थान बोलते हैं, और राजनीति में इसको देखा जाता है तो उसको दसवें से पाँचवा स्थान यानी कि कर्म का पाँचवा स्थान यानी कुछ नए करने का साहस बोलते हैं। तो वो इंसान दूसरे स्थान से उसको वाणी आती है यानी कि बोलने से वो इस प्रकार की वाणी का यूज़ करता है कि सामने वाला उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। और उसके लिए वाणी पे प्रभुत्व किस ग्रह का रहता है, तो वाणी पे ज़्यादा प्रभुत्व बुध ग्रह का रहता है। यदि बुध ग्रह यहाँ प्रबल है और उसको मंगल की इफेक्ट ज़्यादा नहीं है बुध पे, वो दूसरे स्थान को मंगल की इफेक्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कटाक्ष लगता है, और उसके साथ उसका शनि बलवान होना चाहिए, यानी कि शनि जो है एक कायदा का कारक है। शनि में अटी गुटी जो बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलता है तो 10 बार सोच के यदि आगे बोलता है तो विवाद में नहीं आता है वो इंसान। तो ये सारी चीज़ें कुंडली के ग्रहों में होनी ज़रूरी है, और दसवें स्थान का सूर्य राहु और के साथ मंगल के साथ और बुध के साथ यदि कनेक्शन होता है और उसका लग्नेश कर्मेश यदि बलवान होता है, लग्नेश का कर्मेश के साथ जुड़ान होता है, और सप्तम स्थान जिसको बोलते हैं पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस भी उसका बलवान जब होता है, और सातवां स्थान पत्नी भी बोलते हैं, उसका भी यदि साथ सहकार इंसान को मिलता है तो वो आगे बढ़ जाता है और वो राजनीति में आगे बढ़ते हुए मैंने देखे हुए हैं। तो इंसान की कुंडली के अंदर सूर्य के साथ मंगल, बुध और शनि का बलि होना और लग्नेश का बलवान ज़्यादा होना ज़रूरी रहता है। लेकिन उसके अंदर भी इतना बोल दूँ कि ये सारे जो ग्रह बताए उसकी दशा महादशा जब आती है और दशा महादशा के अंदर लग्नेश का या कर्मेश का या पंचमेश का जब अंतर चलता है तभी उसको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। मित्रों, कल्पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश जी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर के, ऑपोजिट मेम नगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866650725, ईमेल आईडी kalpeshupadhyay41@yahoo.in, टोल फ्री नंबर 1800200209।